इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिर से आप Q1 चार्ज को लें, फिर से आप Q2 चार्ज को लें, और चार्ज को कहां से लेके आना है इस बार, फिर से इन्फिनिटी से, और कहां पे लेके आना है, आर डिस्टेंस पे, और क्या निकालना है, वर्क डन। तो अगर आप इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे चार्ज को लेके आते हैं और वर्क डन निकालते हैं, उस डेफिनेशन को क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही बात है, फिर पोटेंशियल कैसे आ गया, एक काम करो, पहले आप इसकी एनर्जी निकाल दो, वर्क डन निकाल दो, सेम डेरिवेशन है, इसमें पेजेस उल्टे लग गए, इसके बाद ना ये पेज नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है, लिख लेना, रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, पॉइंटर बना के इस पेज पे लिख लेना, यहाँ पे रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज फॉर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे लिख लेना रेफर नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये देखो, तो इसके अंदर वर्क डन का वही सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में लिमिट्स का सेम फॉर्मूला इन्फिनिटी से आर, और वर्क डन वही आएगा जो हमने क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ तक क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपको हो गई, पोटेंशियल कैसे आया, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल की डेफिनेशन है अगेन वर्क टर्न पर यूनिट चार्ज। तो कौन सा चार्ज, जिसको उठा के लेके आ रहे हैं, किसको उठा के लेके आ रहे हैं, Q2। तो वर्क डन बाय Q2 को पोटेंशियल बोलेंगे, और आंसर क्या आएगा, 1/4πε0 Q1/R। आप बोलोगे भाई डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो यही था, पोटेंशियल भी वही है, क्या डिफरेंस है मेन, ये इन्फिनिटी से आर का वर्क डन है, पोटेंशियल डिफरेंस में आर ए से आर बी का, फाइनाइट से फाइनाइट का वर्क डन है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो रूल नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन निकालना चाहता है इन कैरिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्क डन है वो जूल में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में Q2 चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाया जाता है, और जो वर्क डन कैलकुलेट होता है उसको Q2 से डिवाइड किया जाता है, और इसके यूनिट्स होते हैं जूल पर कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है इन्फिनिटी से आर का, और Q2 से उस वर्क डन को डिवाइड किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को Q2 से डिवाइड किया जाता है, तो क्या बचेगा, पोटेंशियल, इसके यूनिट्स पे जूल पर कूलम। क्लियर यहां तक? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये फॉर्मूला। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऐसा आ जाए कि Q1 चार्ज है, ठीक, और यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो अगर आपको यहां पोटेंशियल निकालना है तो डेफिनेशन कहती है Q2 को इन्फिनिटी से लेके आओ, यही है डेफिनेशन, तो फिर उसको Q2 से डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली Q2 तो रिजल्ट में आता ही नहीं, क्योंकि जिस चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं ना तो वो फील्ड में कंट्रीब्यूट करता है ना वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? Q1 फिक्स चार्ज करता है। तो Q1 ने यहां पर अगर V लगाया, या तो ये मान लो कि यहां पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये V लगाएगा, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ई में करते थे ऐसे वी में कर लेंगे। तो आप इसमें अगर कुछ नहीं पड़ा हुआ तो वी का फॉर्मूला कौन लगा रहा है, Q1, क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q1/R। फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, फॉर्मूला एनर्जी का कर लिया, एनर्जी के बाद करो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम में क्यू चार्ज और यहां पर वी का फॉर्मूला, ठीक। एक बात बताओ, जूल कौन था, साइंटिस्ट था, और कूलम कौन था, साइंटिस्ट था, तो इन साइंटिस्ट के रिजल्ट्स को यूज करके, जूल और कूलम के रिजल्ट को यूज करके क्या बना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का काम किस साइंटिस्ट ने किया था, वोल्ट साइंटिस्ट ने, तो लोग इन्हीं का नाम ना लें, इसका नाम लें, तो इसने अपना नाम रखा वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो आज के बाद पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट।
नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या कर तो लिया, अरे वो बहुत लंबा तरीका था, उससे नहीं करेंगे हम। हम किससे करेंगे? हम इसमें ऐसे करेंगे कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये A और B पॉइंट है, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये बताओ कि Q1 चार्ज B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0 Q1 by RB, और ये Q1 चार्ज A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय RA। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो दोनों को क्या कर दें? माइनस आंसर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि VA में से VB माइनस करें या VB में से VA माइनस करें। वो डिसाइड ऐसे होता है कि अगर इमेजिन करें कि कोई चार्ज, इमेजिनरी चार्ज Q2 को यहां से यहां लेके आए हैं, A से B पे लेके आए हैं, तो A कौन सी पोजीशन थी इनिशियल और B कौन सी पोजीशन है फाइनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, VB माइनस VA। पॉइंट क्लियर है यहां तक? और अगर आप चार्ज को यहां से यहां लेके गए तो VA माइनस VB, ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है यहां तक?